हेलो दोस्तों, आज कुछ पतंग लेके आया हूँ और आपके सामने देख सकते हैं आप एक ईमानदार पतंग। मेरे क्लब की मोहर लगी हुई और एक कारीगर की मोहर, दूसरी पतंग देख सकते हैं आप, तौकल पौनी पतंग है, गुटाई देख सकते हैं, शानदार शानदार गुटाई। और तीसरी पतंग आती है हमारी पट्टेदार में, तोक हल्का बना हुआ देख सकते हैं, बढ़िया डिज़ाइन। चौथी पतंग आती है हमारी पट्टेदार, बड़ा यूनिक सा रंग है देख सकते हैं आप, पट्टेदार भूरी और लाल रंग में, बढ़िया पतंग। नेक्स्ट आती है हमारी पतंग एक गेंदार, ये भी देख सकते हैं, गुटाई बहुत अच्छी की गई है, एकदम परफेक्ट पतंग देख सकते हैं आप लोग, क्या गुटाई है देख सकते हैं। नेक्स्ट पतंग यही तौकल नीले रंग में देख सकते हैं, इसमें भी गुड़ाई बढ़िया की गई है, ये देख सकते हैं। ये पतंग हमारी ईमानदार में हल्का डिज़ाइन देख सकते हैं, इसमें भी गुटाई बहुत बढ़िया की गई है देख सकते हैं आप। और ये जो मैं पतंग आपको दिखा रहा हूँ 15 से 16 रुपए की हैं, बहुत अच्छी पतंग। अगली जहाजियन, हल्का जहाज बना है इसमें देख सकते हैं आप लोग, गोटाई देखिए आप लोग, क्या गोटाई है। अगली पतंग एक चारखन्नी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पतंग एकदम बढ़िया। इसके बाद एक और रंगीन पतंग लट्ठेदार में ईमानदार पतंग भी बढ़िया देख सकते हैं। फिर अगली पतंग हमारी ये देख सकते हैं आप, काली सफेद पतंग, क्या काम किया गया इस पर देखिए, ये देखिए बहुत कम पतंग मिलने देखने को मिलती है ऐसी पतंग आजकल, पतंग के अंदर पतंग। अगली पतंग ये देख सकते हैं, क्या घुटाई है, ये देखिए पट्टेदार और टेपिंग करके रखी गई है बढ़िया से। अगली पतंग अखेल, ये भी बहुत अच्छी पतंग है, आज ही टेपिंग करके रखी है मैंने जॉइंट्स पे और सब जगह। और मेरी अगली पतंग कुछ यूनिक डिज़ाइन, गुटाई भी बढ़िया है इसमें। और अगली है गेंदार पतंग, उसमें दे सकते हैं गुटाई, एक तरफ हल्की गुटाई दी गई है, एक तरफ थोड़ी शाइनी गुटाई दी गई है, बढ़िया कारीगरी गेंदार। अगली पतंग हमारी ये देख सकते हैं, गुटाई देखिए आप, प्लेन पतंग पौनी। अगली पतंग हमारी एक प्लेन पतंग है, पौनी ये भी है साइज देख सकते हैं, तो उठाई देखिए आप इसमें,
चमक रही बिल्कुल, जैसे इस पे धूप की रोशनी पड़ेगी तो बहुत चमकेगी पूरा। और एक और अगली पतंग हमारी टू फेस, ये देख सकते हैं क्या घोटाई है। एक और पट्टेदार आसमानी रंग की घुटाई, आप देखिए बस क्या पता नहीं। टेपिंग देख लीजिएगा कैसे, टेपिंग नॉर्मली टेपिंग इतनी करनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टेपिंग आप कर देते हैं तो पतंग में खिंचाव कम हो जाता है। देख सकते हैं दो टेप इधर, दो टेप इधर, एक ऊपर और जोड़ पे आप कर सकते हैं, और जब कंधे बांधेंगे तो कंधे बांधने पर एक टेपिंग अप और कर सकते हैं। आखिरी पतंग हमारी पट्टेदार भूरे और नीले रंग में, भूरा खतीमा कागज़ पे और नीला हमारा जनता पेपर पे, बहुत बढ़िया पतंग देख सकते हैं, टेपिंग देख सकते हैं। सो एज ए क्लब फाइटर मैं एडवाइस करूँगा कि आप टेपिंग ज़्यादा ना करें, क्योंकि ज़्यादा टेपिंग से पतंग में खिंचाव कम हो जाता है और उसकी खींच बहुत कम हो जाती है। बस इतना ही टेपिंग रखें, थोड़ा बहुत अगर हल्का फटा भी होता है तो उसको रहने दें, ज़्यादा कोशिश ना करें उसको सही करने, क्योंकि फिर पतंग में खींच कम हो जाएगी और पतंग भारी हो जाएगी, क्योंकि मेन काम काप का ही होता है, यहाँ से यहाँ तक का देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्लेन होना चाहिए, और इसके बाद आप यहाँ पर क्या कहते हैं टेपिंग कर सकते हैं। और कोशिश करें लड़ाने वाली काइट्स आपकी प्लेन हो, अगर प्लेन नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत टेपिंग करके उसको सही कर सकते हैं आप। चलिए जल्दी अपलोड करने की वीडियो कोशिश करूँगा मैं, होप यू गाइस लाइक इट, एंड आई शैल अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस कमिंग सैटरडे, सो वेट फॉर इट।